बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। computerrating.com के जैसे मैं हूँ मोहम्मद सुमान। आप जानते हैं कि मैं आपको ब्लॉगर की ट्रेनिंग फ्राहम कर रहा हूँ और मैंने एक लेक्चर आपको दे चुका हूँ व्हाट इज़ ब्लॉगर, ब्लॉगर इंट्रोडक्शन के बारे में मैंने आपको बता दिया। आज मैं आपको सिखाऊँगा गूगल अकाउंट जो सा ब्लॉगर के लिए यूज़ होगा। गूगल अकाउंट बनाकर आप ब्लॉगर के अंदर ईजीली तौर पर लॉग इन हो सकते हैं, या फिर यहाँ पे आपको लिखना होगा blogger.com। उसके बाद ये देखिए ब्लॉगर की साइट का लॉगिन ओपन हो चुका है, लॉगिन पेज ओपन हो चुका है। उसके बाद ये आपने इस बटन पर क्लिक करना है, क्योंकि आप न्यू मेंबर हैं, आपने न्यू अकाउंट बनाना है, इसलिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जिसके बाद ऑलरेडी मौजूद है ये अकाउंट, वो सिर्फ ईमेल देगा, पासवर्ड देकर लॉगिन हो जाएगा। लेकिन आप न्यू मेंबर हैं तो आपने यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम देंगे आप, फिर लास्ट नेम देंगे, उसके बाद यहाँ पर अपना कोई भी नेम चूज़ कर लेंगे। ये नेम इससे मिलता जुलना चाहिए, जैसे कि मैं यहाँ पर जैसे कि मेरे पास ये यूज़र नेम बन चुका है, यहाँ पर चूज़ योर यूज़र नेम। इसके साथ ये देखिए यूज़र नेम @gmail.com, ये कंपनी अपने ऑटोमेटिकली प्रोवाइड करेगी। लेकिन हमने ये, जैसे कि मैंने, ये मेरा ईमेल था, इसको मैं यहाँ पर नोटपैड में कॉपी कर देता हूँ और इसके बाद यहाँ पर हम अपना पासवर्ड लिखेंगे। याद रखिए आपका पासवर्ड जैसा होना चाहिए, ये फर्स्ट वर्ड जैसा होगा, इसमें ये कैप्स में आप देंगे और उसके बाद जितने भी वर्ड होंगे वो स्मॉल लेटर में होंगे, और कोई भी एक गिनती का वर्ड ज़रूर दीजिएगा इसके अंदर। और उसके बाद बर्थडे के अंदर हम आते हैं, यहाँ पर हम बर्थडे सेलेक्ट करते हैं, अपनी बर्थडे डेट यहाँ पर हम जो ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं जेंडर में। उसके बाद यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर देंगे और यहाँ पर अपना ईमेल अकाउंट देंगे, जैसे कि मैं ये अकाउंट देता हूँ, वेरिफिकेशन के लिए ये अकाउंट दे चुका हूँ मैं, और यहाँ पर मैं अपना नंबर दूंगा। ठीक है, उसके बाद ये पूछता है आप क्या आप रिवॉर्ड हैं, लेकिन आपने कहा नहीं, तो इसके लिए आपको ये सही से कैप्चा फिल करना होगा। उसके बाद ये देखिए लोकेशन के ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पर लोकेशन में आप कुछ भी, यानी कि जिस कंट्री में आप रहते हैं उसका आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जैसे कि पाकिस्तान में रहता हूँ, मैं पाकिस्तान को सिलेक्ट कर चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पर इस पर क्लिक करना, आई एग्री टू दी गूगल टर्म ऑफ सर्विस एंड प्राइवेसी पॉलिसी, और उसके बाद यहाँ पर हम कर देंगे नेक्स्ट सेटअप। जब आप बनाएंगे तो ये ऐसी कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस पर कई अकाउंट बना चुका हूँ, तो इसलिए ये यहाँ पर ये अकाउंट मांग रहा है। तो जैसे कि आपने आपको बताया कि यहाँ पर अपना नंबर आपने देना है, और उसके बाद इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये मोबाइल के ज़रिए एक मुझे कॉल आएगी, कॉल के ज़रिए मैं जैसे यहाँ पर रिसीव कर सकता हूँ। जैसे मेरा कोड ये है 4 2 5 6 3 6, और उसके बाद मैं कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये प्रोफाइल आ गई है, क्रिएट योर पब्लिक गूगल
प्लस प्रोफाइल, कि आप गूगल प्रोफाइल बनाना चाहते हैं। उसके बाद आप इसको नो थैंक्स भी कर सकते हैं, क्रिएट योर प्रोफाइल ऐड दे सकते हैं। जैसे कि मैं नो थैंक्स पर क्लिक करता हूँ और उसके बाद मैं इसको यहाँ पर बैक टू ब्लॉग पर ले जाता हूँ। उसके बाद ये देखिए दो ऑप्शन दे रहा है, गूगल प्रोफाइल की ऑप्शन भी दे रहा है लेकिन, और ये ब्लॉगर प्रोफाइल की दे रहा है। आपने इस ऑप्शन को चूज़ करना है यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर ये देखिए ये आपका ब्लॉगर ईमेल बन चुका है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको समझाया, आज के लिए इतना ही होगा, क्योंकि सिर्फ मैंने आपको ईमेल बनाने का तरीका कार समझाया है। हाँ, आप ऑलरेडी अगर आपके पास जीमेल अकाउंट है तो आप यहाँ से ओपन भी हो सकते हैं। जैसे google.com में खोलता हूँ और उसके बाद ये देखिए यहाँ पर इसकी सर्विस मोर पर जाकर ये ब्लॉगर पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया गया, और इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट ट्यूटोरियल जैसा होगा वो क्रिएट हाउ टू क्रिएट ब्लॉगर का साइट होगा, जो ब्लॉगर की साइट ब्लॉगर किस तरह बनाया जाएगा। तो ये हमारी ईमेल सब्सक्राइब करने के लिए, ईमेल पर सब्सक्राइब करने के लिए इस पर अपना ईमेल लिखें इस बॉक्स में और उसके बाद सब्सक्राइब कर दें। और उसके साथ साथ ये फेसबुक पेज है, इसको लाइक करना मत भूलिएगा। और उसके साथ साथ लिंक्डइन और पिंटरेस्ट और ट्विटर, फेसबुक, गूगल पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इंशाल्लाह ताला ये वीडियो क्लिप बहुत पसंद आया होगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।